चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नारियल डालेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुस्सा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ डोसा। आज मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ डोसा और नारियल की चटनी, और मुंबई में उसको खोपरे की चटनी भी बोलते हैं। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है, आइए मेरे साथ। ऐसे तो है ना, मैं बैटर घर पे ही बना लेती हूँ डोसे का, लेकिन आज टाइम नहीं था ना, तो मेरे शौहर बाहर से लेके आ गए। तो देखिए ये मेरा डोसे का बैटर है। अभी इसमें जितना नमक चाहिए उतना आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल के ये इसमें अच्छे से नमक मिला लेना। अच्छे से इसको मिला के इसको आप साइड कर दें। तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया, इसको साइड कर दूंगी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नारियल डालेंगे, तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं और गीला भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं पहले नारियल डाल दूंगी, फिर उसके बाद चना डालूंगी, चने की दाल भुनी हुई। साथ में ये मैंने चने भी ली हूँ, ये भी मैं डाल दूंगी। और मिर्ची डालूंगी, जैसे कि मेरे यहाँ कम तीखा खाते हैं ना, तो मैं थोड़ा मिर्ची कम लूंगी। आप लोग को जैसा चाहिए आप डाल सकते हैं, मैं चार मिर्ची डाल रही हूँ। चार से पांच कली लहसुन की डालूंगी। और हम ये चटनी में है ना कोथमीर नहीं डालेंगे, क्योंकि कोथमीर डालेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगी, तो बाहर जैसी मिलती है ना वैसी नहीं लगेगी। तो हम लोग उसकी जगह पे ये कड़ी पत्ते को मैंने साफ करके रखी हूँ, तो कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते डाल देंगे। और फिर उसके बाद चलिए इसको पीस, ये मैंने चटनी पीस ली हूँ, ये इस तरीके से ऐसे चटनी पीस ली हूँ। अब मैं इसका बघार तैयार करती हूँ। चटनी के बघार के लिए आप थोड़ा सा जीरा मैंने ली हूँ, थोड़ा सा राई ली हूँ, कड़ी पत्ता ली हूँ, और ये सूखी लाल मिर्ची है। अभी हम लोग बघार बनाते हैं इसका, ठीक है। ये मैंने तेल रखी हूँ, तेल में मैंने दो चम्मच तेल डाली है। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा जीरा तड़कन जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे राई। अब मैं इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता और सूखी वाली लाल मिर्ची। ये बघार रेडी हो चुका है, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। ये मैंने चटनी निकाल ली हूँ, देखिए ये चटनी। अभी जो हमने बघार तैयार किया था वो ठंडा हो गया, उसका हम तेल नहीं डालेंगे, इसे तो बघार डाल देंगे। तो फिर से बघार डालने के बाद ये जो हमने कोथमीर काट के रखी थी ये मैं सजावट के लिए डाल दूँगी। देखिए मेरी टेस्टी चटनी तैयार है माशाल्लाह। डोसा तवा गरम हो गया है, अब मैं डोसा डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा तेल डालेंगे साइड से, डोसे रेडी हो गए हैं। और ये है नारियल की चटनी। आप लोग बताइए कि मैंने कैसा बनाई और आपको कैसा लगा, आप भी घर में ट्राई कीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा डोसा बना है, बहुत अच्छा माशाल्लाह।
वाह, दिल बोले बार बार खाओ। माशाल्लाह।